इससे पहले कि हम बायोटेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करें कि बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है, राइट, मुझे यू नो आई एम फीलिंग कंपेल्ड टू गिव यू सर्टन सर्टन लाइव एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, राइट। पहले इलस्ट्रेशन हम लेते हैं, ठीक है, इससे पहले कि हम एक्सप्लेन करें कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो पहले हम इलस्ट्रेशन लेते हैं कि इन टुडे सिनेरियो देयर इज यू नो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, राइट, whereas the corresponding resources to sustain this populations are depleting, means hamare paas population ko sustain karne ke liye resources bahut kam hai, right, kitni you know food crops ko hame grow karna padega aur food crops kaise grow karenge kyunki land size you know kam hota ja raha hai, right, itni populations ko adjust karne ke liye land land ke humne pure jungle kaat diye, right, to right to humne kya kiya ki humne हाई यील्डिंग क्रॉप्स की सो दैट कम लैंड एरिया में ज्यादा प्रोड्यूस मिल सके, तो हमने कुछ ऐसा कर दिया प्लांट्स में, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर दिया जिससे प्लांट क्या ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए, जिससे क्रॉप्स ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, ठीक है। तो एक तो सोल्यूशन हमने किया साइंस का यूज करके, ठीक है, सपोज हमने हाई यील्डिंग वराइटीज को, या हमने यू नो इस तरीके से प्लांट्स का जो जेनेटिक मटेरियल था उसको मैनिपुलेट किया कि एज कंपेयर टू ओरिजिनल स्पीसीज उसमें यू नो जो ओरिजिनल प्रोड्यूस थी उसकी, उससे डबल प्रोड्यूस उसकी होगी, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम किया था, राइट। या हमने क्या किया कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जो कि उनको हमने कल्चर किया, उनके बड़े बड़े यू नो कौन से हम उनको कहते हैं टैंक्स में यू नो कल्टिवेट किया, जिसको बायोरिएक्टर्स कहते हैं, राइट, और वो प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स बन गए, ठीक है, उनको हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। हम बैक्टीरिया को कल्चर किया, राइट, हमने फंगस को कल्चर किया, ठीक है, उससे भी प्रोटीन ड्राइव की जो कि आज की डेट में पूरी दुनिया में खाई जाती है। फंगस से प्रोटीन बना रहे हैं हम, राइट, बैक्टीरिया से प्रोटीन बना रहे हैं, राइट, ब्लू ग्रीन एल्गी से हम प्रोटीन बना रहे हैं। इनफैक्ट स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है विच इज कंसिडर्ड एज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट, एक एग्जाम्पल लेंगे। सिमिलरली हमारे पास जितने भी कन्वेंशन फ्यूल रिसोर्सेज हैं लाइक कोल, ऑयल, गैस, ये कम होते जा रहे हैं, तो हमने क्या किया कि जो भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम सुवेज कहते हैं, ठीक है, राइट, उसको हमने यूज़ किया, इकट्ठा किया और उसमें कुछ बैक्टीरिया रिलीज कर दिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, राइट, बैक्टीरिया रिलीज कर दिए, बैक्टीरिया ने उस पूरे सुवेज को डिकम्पोज करके साथ में, राइट, साथ में पोल्यूशन को कम कर दिया और साथ में मीथेन गैस प्रोड्यूस कर दी जिसको हम बायोगैस कहते हैं। बायोगैस यूज़ करना शुरू कर दिया हमने, ठीक है, राइट, बायोगैस यूज़ करना शुरू कर दिया, राइट। सिमिलरली, राइट, हमने राइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या कर दिया, क्रॉप्स को इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंस बना दिया सो दैट उन पर कोई क्रॉप, उन पर कोई पेस्ट या इंसेक्ट अफेक्ट ना करे। सिमिलरली हमने इतनी दवाइयाँ बना दी, ठीक है, बाय यू नो by genetically manipulating the organisms, right? Organism को हमने manipulate करके, right? इस तरीके से जो desired character थे किसी भी organism के दूसरे organism में transfer कर दिए उसके gene के through, right? जिससे हमने wonderful, remarkable drugs या medicines बना दी। ये सारी examples जो आपके सामने मैंने अभी बताई, ये सारी examples क्या बताती हैं? What ये examples से आपको क्या पता चलता है कि हमने किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट किया, ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया या फंगस हो गए, यीस्ट हो गया, ठीक है, या उनका कोई सेल हो गया, या कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस को हमने यूज़ कर दिया जिससे हमने प्रोडक्ट बना दिए किसके लिए, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, जो कि मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है, राइट। इसी पूरी प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं बेनिफिशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑब्टेन करने के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, इसी को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यस, सेम हियर नवीन बंसल, डिड यू गेट द आइडिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? तो मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दी कि मैंने कहाँ से एग्जाम्पल यूज की थी, राइट, कि बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए आप कुछ कॉमन एग्जाम्पल लो, ठीक है, कि हमने फूड शॉर्टेज को मीट आउट करने के लिए इतनी प्लांट्स की वैरायटीज को हाई यील्डिंग बना दिया,
ठीक है, उनमें कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर डाल के कि वो कम एरिया में ज्यादा प्रोड्यूस देना शुरू।